गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है द मूवी आदि पुरुष सो कॉल्ड एडेप्टेशन ऑफ रामायण का ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरा चैनल लाइफस्टाइल, ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी ये सब के ऊपर बेस्ड है। रिव्यू देना मैंने कभी पहले सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी मूवीज़ का रिव्यू देना वगैरह स्टार्ट करूँगी, और ना अभी मेरे मन में ऐसा कोई प्लान है कि मैं इस चैनल पर मूवीज़ के रिव्यू देना स्टार्ट करूँ। हालांकि मेरा जो फील्ड है लाइक एक्टिंग, ड्रामा वगैरह, उससे ये काफ़ी रिलेट होता है टॉपिक, बट फिर भी मेरे मन में ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट ये जो मूवी है इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मेरे जो भी थॉट्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँ, और मेरे पास ये प्लेटफॉर्म होते हुए अगर मैं ये ना करूँ तो मेरे ऊपर लाना है। हूँ आदि पुरुष, और जो ट्रेलर मैंने देखा था वैसे तो तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि ट्रेलर में ही मुझे पता चल चुका था कि ये कैसी मूवी होने वाली है। बिल्कुल ही मेरे बिलीफ से एकदम अपोजिट है, तो अपना सर मैं खुद क्यों खराब करके लूँगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं मूवी देखने नहीं जाऊँगी, मुझे कोई शौक नहीं है अपना दिमाग खराब कर लेने का। लेकिन फिर जब मेरे दोस्तों ने या बाकी लोगों ने जब देखा और जब उन्होंने कुछ मुझे ऐसे बातें बताई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि मुझे इसके बारे में बात करनी थी और बिना खुद देखे इसके बारे में बात करना गलत होता। इसलिए मैं खुद फटाफट सुबह सुबह का शो देख के आई। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ गलतियों की लिस्ट इस मूवी की। सबसे पहली गलती है कि जो टीम है आदि पुरुष की वो हमें ये बताना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई कि मूवी जो है वो एक्शन कॉमेडी होने वाली है। जी हाँ, इस मूवी में आपको रामायण नहीं दिखेगी। बात आदि पुरुष फिल्म की सबसे बड़ी दूसरी गलती है कि उन्होंने ये बात क्लियर कर दी और बहुत जगह पर जाके ये कही कि ये रामायण का अडेप्टेशन है। अगर भाई आप ये बात नहीं कहते तो शायद एक्शन थ्रिलर के नाम पर ये मूवी चल जाती, लेकिन रामायण का नाम लेके आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और हमारे सीने में खंजीर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहेंगे कि यार मूवी है, मूवीज़ की तरह देखा करो, हर बात पे बखेड़ा मत खड़ा किया करो। तो गाइज, अगर ये मूवी कोई कैजुअल टॉपिक पर लेकर होती तो हम भी इसको कैजुअली देखते। आपको कैजुअल टॉपिक लेकर ही मूवी बनानी चाहिए थी। आप रामायण को लेके, मेरी हिस्ट्री को लेके, लोगों की फेथ को लेके, बिलीव्स को लेके ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते। इन्होंने तो रामायण का पूरा कंसेप्ट ही बदल दिया है सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर। इतनी सारे चेंजेस और ऐसे ऐसे डायलॉग्स, ओह माय गॉड, डायलॉग्स के ऊपर तो मैं आना ही नहीं चाहती। लुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने ट्रेलर से ही देखा था कि लुक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी मूवी 7 महीनों तक आगे बढ़ा दी थी, पोस्टपोन कर दी थी। सबको लगा था कि कुछ ना कुछ भाई चेंजेस तो होंगे, जैसे कि रावण के हेयर स्टाइल को लेकर, उसके पूरे परसोना को लेकर भी लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था। उसके बाद लोगों ने एक और चीज़ कही थी कि जो लेदर होता है, चमड़ा जो होता है, उसके जो भी एक्सेसरीज आपने दिखाए हैं या कपड़े दिखाए हैं उसको मत दिखाइए, क्योंकि हम वो नॉर्मली अपने भगवान से दूर रखते हैं। अगर हम चप्पल, बेल्ट ये सब हम निकाल के मंदिरों में भी जाते तो तुम उनको पहनाया हो, वो सब दिखा रहे हो। ऐसा लगा था कि इन 7 महीनों में उन्होंने कुछ तो चेंज किए होंगे। तो आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। इसके ऊपर जब वो फाइटिंग वाला सीन आता है उसमें तो उनके पूरे कपड़े ही लेदर के उन्होंने दिखाए हैं। तो ये कपड़ों की बात, अब आते हैं लाइक प्रॉपर लुक्स के ऊपर। तो इंद्रजीत जो है, जो रावण का बेटा होता है, उसके लुक्स के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो उसके बालों में ऐसे पूरे डेडलॉक्स है, उसके बाद उसके पूरे बॉडी पर टैटूज बने हुए हैं। लाइक रावण के साइड वाले सारे कैरेक्टर्स के ऐसे ही लुक है, किसी के बालों में लॉक्स, किसी के टैटूज, किसी का स्पाइक्स कर्स, लाइक व्हाट द। एक और बात जो मुझे समझ में नहीं आती वो ये है कि जो रियल लाइफ में बहुत ही घटिया और बदसूरत दिखने वाले जो लोग होते हैं, जो मुगल्स होते हैं या अकबर जैसे कहलाते हैं, वो रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं जाके देख लो एक बार आप, लेकिन आप उनको पिक्चर में बड़ी स्क्रीन पर कैसे दिखाते हैं? ऋतिक रोशन ऐसा दिखता था क्या अकबर? लेकिन राम, प्रभु श्री राम को आप कैसे दिखा रहे हैं? ऐसी कौन सी किताब है, ऐसा कौन सा बुक है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें आपने ऐसा पढ़ा कि राम को मूछें थी? क्यों, जरूरत क्या है? देखिए, जो चेंज करना है अगर आपको मॉडर्न लोगों से या यूथ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी थी तो जितना भी आपने किया फाइटिंग वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, वो तो बहुत ही घटिया थे। 600 करोड़ लगा के एकदम ही बहुत ही घटिया मूवी बना दी है, लेकिन फिर भी चलो उसमें आप कर ले। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, उनका लुक, वो कैसे दिखते थे, सालों साल से, युगों युगों से लोगों ने उनकी एक तस्वीर अपने मन में बना के रख दी है, आपको ऐसा कैसे लगा कि आप उसको एक मूवी से चेंज कर देंगे? सच बोलूँ तो ओ माय गॉड, पीके इस
मूवी से मुझे ये मूवी कुछ भी अलग नहीं लग रही है। बस फर्क इतना है कि लोगों को पता है डायरेक्ट डायरेक्ट जब आप बोलोगे तो लोग बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे, तो लोगों के फेथ के साथ खेलते हैं, लेकिन दिखाते समय वही दिखाएंगे जो हमें दिखाना चाहिए। क्योंकि इस मूवी में जब जब प्रभास स्क्रीन पर आया है आपको गुस्सा ही आया है। प्रभास से बेटर तो रावण का कैरेक्टर लग रहा है, लेकिन उसके साथ भी आप जस्टिस नहीं कर पाए हैं। एक सीन मैं आपको बताती हूँ जिसमें रावण जो है वो सीता माता का हरण करता है, ठीक है। अब उसके बाद जब वो साधु वाले वेश से रावण वाले वेश में आता है तो वो क्या उसमें उन्होंने क्या दिखाया, क्या डायरेक्शन है ये? उसमें उन्होंने दिखाया कि जो उसका तिलक रहता है वो गायब हो जाता है और जो उसके बाइसेप रहते हैं उसमें वो रुद्राक्ष टूट जाता है। रावण कौन था? रावण सबसे महान ब्राह्मण था, पंडित था, वो महाज्ञानी था, सबसे उसका उसका जो भी सबसे बड़ा पहचान है ना वो ये है कि वो सबसे बड़ा महादेव भक्त था, एक महादेव भक्त और रुद्राक्ष। ये क्या सीन दिखाया, क्या कहना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो? अब ये हो गया दिखने का और सब डायरेक्शन का और कपड़ों का ये सब का। डायलॉग्स क्या छपरी गिरी है, कहाँ हुई थी रामायण, दिल्ली में या मुंबई में, मुंबई के किसी रोड पर? एक सीन है जिसमें इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ को आग लगाता है, उसमें उसमें कहता है तेरी जली ना, लाइक लिटरली। एक डायलॉग ऐसा भी है जिसमें वो अपना जो हिंदुस्तानी भाव है ना उसका जाले चल निकाल, ऐसा यही टोनिंग में है वो। हमको तो सच में ऐसा लगा था कि आगे का डायलॉग मत बोल देना यार, उतना तो रिस्पेक्ट रखो। हनुमान जी को उन्होंने क्या डायलॉग बोलते हुए दिखाया, जब ये ऐसा बोलता है तेरी जली ना, तो रिटर्न में हनुमान जी बोलते हैं तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरी बाप की। ऐसे बात करते? अरे कहाँ उस जमाने में पिता पिताश्री ऐसे वर्ड्स यूज किया करते थे, ये बाप कहाँ से आ गया? फिर जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता मैया से मिलने के लिए आते हैं तो वहां के जो पहरेदार होते हैं जब वो देखते हैं तो वो क्या कहते हैं हनुमान जी को, ये तेरे बुआ का बगीचा है क्या? ये किस तरीके के लैंग्वेज है यार, ये क्या है ये? ऐसे फर्स्ट हाफ आप सह लेंगे, उसके बाद जो सेकंड हाफ चालू होता है ना वो तो इतना डार्क है, वो इतना डार्क है कि अगर आप टॉर्च लेके जाएंगे या आप हेडलाइट भी लेके जाएंगे ना तो भी आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। इतना ज्यादा डार्क, इतनी नेगेटिविटी। जब हम रामायण का नाम लेते हैं ना तो मन में ऐसा पूरा प्रकाश, सनसेट, सनराइज और अच्छा खासा जंगल, सुंदर सुंदर प्राणी, गिलहरिया, हरिण, बाप रे जो आप बोलोगे इतना सुंदर दिखता है। और इन लोगों ने क्या दिखाया है पूरे रामायण में, पूरा सेकंड हाफ इतना नेगेटिव है ना कि थिएटर से बाहर आते ही डॉक्टर के पास जाके डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ेंगी। इतना डिप्रेस्ड हो जाता है आदमी, इतना नेगेटिविटी लगने लग जाता है कि मानो रामायण नहीं चल रही है, कोई हॉलीवुड की कॉन्जोरिंग मूवी चल रही है। बस लास्ट में हताश होकर मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, आपकी अलग थिंकिंग भी हो सकती है मेरे से। तो मेरा जितना कहना है कि अगर आपको अपना मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है, प्यारा है, तो मत जाइए, वरना फिर आप देख लीजिए सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे जो भी इन्होंने फैलाया है, अगर आपको देखने जाना है तो आप जा सकते हैं। तो बस बाकी कुछ नहीं, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था आदि पुरुष को लेके, और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बाद में ऐसी मूवी मत बनाइएगा। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपने भी आदि पुरुष देख लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको वो कैसे लगी, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।